SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH 26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. MP के दमोह में गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी की बात सामने आई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो स्थानीय लोगों ने खुद ही बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये पूरा मामला दमोह जिले के हटा के मुरली मनोहर वार्ड की सरकारी राशन दुकान से सामने आया है। गरीबों को मिलने वाला 1 रुपए किलो का गेहूं चावल इसके अंदर है। गरीब रोजाना परेशान हो रहे हैं, लेकिन दुकानदार राशन दुकान नहीं खोलता है। इस पिकअप वाहन में PDS का गेहूं लोड किया गया है। इसके बाद गाड़ी वहां से चली जाती है। कुछ जागरूक लोगों ने उसका पीछा किया, वीडियो बनाया और जो आशंका थी वही हुआ। राशन का ये गेहूं व्यापारी की दुकान पर चला गया। स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें समय पर अनाज नहीं मिल पाता है, जिससे वो परेशान होते हैं। मुरली मनोहर राशन दुकान, जिसका सेल्समैन राजेश सोनी उर्फ जुंडल है, जो कभी कभार ही महीने में 1 या 2 दिन राशन दुकान खोलता है, जिससे कई उपभोक्ता राशन का जो सामान है, खाद्यान्न है, वो लेने से वंचित रह जाते हैं। नवंबर माह का जो खाद्यान्न था वो इस माह सेल्समैन के द्वारा नहीं बांटा गया। अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि सेल्समैन के द्वारा उक्त खाद्यान्न ब्लैक कर दिया गया है। हम कई बार अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। राशन दुकान बंद रहती है, हम राशन दुकान में जाते घंटों लेनों में लगना पड़ता है, और जब भी देखो जब बंद रहता है ब्लैक में करते हैं ये लोग। सब से आपत्ति लगा रहे हैं हम लोग ये कि राशन दुकान में किसी को भी राशन नहीं मिला, 1 महीना हो चुका है। वहीं जब मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो प्रशासन हरकत में आया। हाटा SDM राजेश मरकाम ने बताया कि एक विशेष जांच दल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया हुआ है। इसमें जो कालाबाजारी हो रही है, जो दिख रहा है वीडियो के माध्यम से, इसमें एक जांच समिति हम लोगों ने बनाई हुई है, जो कि जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी, उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति में सर किस किस को रखा गया? जांच समिति में इसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, और हमारे जो राजस्व के अमले में राजस्व निरीक्षक और पटवारी हैं। सर, इस तरीके के मामले लगातार हटा ब्लॉक की राशन दुकानों में देखे जाते हैं, और भी किन राशन दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इस संबंध में बैठक भी ली जा रही है, जो खंड स्तरीय बैठक होती है उसमें बैठक ली जा रही है, और साथ ही साथ जो तत्कालिक समय पर जो भी शिकायतें आई उसका भी निवारण किया जा रहा है। सागर टीवी न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, NH 26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।